नमस्ते, बीए सेकंड ईयर। अपना जो सब्जेक्ट है शैक्षिक प्रबंधन तथा समावेशी विद्यालय सर्जन्य निर्माण। कल जो अपन ने शैक्षिक प्रबंधन का जो उसके अंतर्गत शैक्षिक प्रशासन के बारे में अपन ने अध्ययन किया, उसका अर्थ परिभाषा और फर्स्ट क्रॉप की संरचना के बारे में अपन ने अध्ययन किया। आज जो अपना है इसी के अंतर्गत जो आगे अपन अध्ययन करेंगे, इसमें जो शैक्षिक प्रशासन की आधुनिक अवधारणा के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत जो बताया गया है, देखो प्रशासन इसमें बताया गया है प्रशासन वह जो है जो नियम बनाता है ना। प्रशासन क्या है? जो है जो नियम बनाता है ना। इसके अंतर्गत जो मैंने पहले बताया कि प्रबंधन वह है जो उन नियमों के अकॉर्डिंग उसे लक्ष्य तक पहुंचाता है ना। तो इसके अंतर्गत जो बताया गया है जो इसमें शैक्षिक प्रशासन को आज केवल शिक्षा की व्यवस्था करना ही नहीं समझा जाता है, अपितु शिक्षा के संबंध में योजना बनाना है ना। कोई भी कार्य करने से पहले कोई योजना बनाई जाती है, उसके अंतर्गत जो सारा कार्य आसानी से मैनेज होता है, संगठन तैयार करना, संगठन पर ध्यान देना है ना, ये इसके अंदर बताया गया। उसके बाद इसमें निर्देशन है ना, क्या इसके निर्देशन होने चाहिए उसके अंतर्गत बताया गया, तथा पर्यवेक्षण आदि है ना। इन सारी सभी का यू शैक्षिक प्रशासन के आधुनिक अवधारणा के अंतर्गत बताया गया है। इसके अंतर्गत जो अनेक कार्यों से इसका गहरा संबंध है, जो भी जो कार्य करने से इसका जो योजना बनाना, संगठन पर ध्यान देना, निर्देशन या पर्यवेक्षण आदि अनेक कार्य इसका गहरा संबंध है। और शिक्षा के क्षेत्रों में क्या है, शिक्षा के क्षेत्रों में अनेक व्यक्ति अपनी अपनी क्या करते हैं, शिक्षा के क्षेत्रों में व्यक्ति अपनी अपनी क्या करते हैं, भूमिका निभाते हैं, है ना भाई। शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कार्य होते हैं, उसके अंतर्गत अपने अपने जो भी कार्य होते हैं उसके अनुरूप वो कार्य किया जाता है। तो ये योजना तैयार की जाती है, उसके माध्यम से अनुरूप अपनी शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कार्य होते हैं उसके अपने अपने जो कार्य के अनुकूल जो सारा का मतलब जो भी अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, है ना। उसी के अंतर्गत जो बताया गया है कि आधुनिक अवधारणा के अंतर्गत शिक्षा प्रशासन को ऐसी प्रक्रिया माना जाता है ना। उसके अंतर्गत जो जिसके अंतर्गत शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नियोजन व्यक्ति सुव्यवस्थित रूप से उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए सहयोग पूर्वक कार्य करता है। इसके अंतर्गत जो व्यक्ति एवं संगठन दोनों का समन्वित विकास निहित रहता है। क्या रहता है? व्यक्ति और संगठन का, दोनों का रहता है। किसका रहता है? व्यक्ति और संगठन का है। इसके अंदर जो ठीक है, दोनों का ही निहित रहता है, विकास रहता है। इसके अंदर फिर है ना अपना जो इसके अंदर जो फर्स्ट आता है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च, इसके बारे में जो बताया गया है जिसमें कार्यरत लोगों के प्रयासों को इस प्रकार समन्वित किया जाता है जिससे मानवीय गुणों को प्रभावशाली ढंग से विकास हो। क्या हो? मानवीय गुणों का जो प्रभावशाली ढंग है से उसका विकास हो, जिसमें यह प्रक्रिया केवल बालकों एवं नवयुवकों के विकास तक सीमित नहीं है, है ना। इसके अंदर जो वरन इसके अंतर्गत जो कोड कार्यकर्ताओं के विकास को भी महत्व दिया जाता है, जो कोड कार्यकर्ता होता है उनके विकास को भी महत्व दिया जाता है। फिर अपना जो इसी के अंतर्गत जो आता है सेकंड जो आता है अमेरिकन विद्यालय प्रशासन संगठन, इसके अंतर्गत जो बताया गया है यह एक ऐसी समग्र प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उपलब्ध मानवीय वर्ग की क्या है, मानवीय मानवीय भौतिकीय है ना, भौतिक जो साधन होते ना
इसके अंतर्गत जो बताया गया है जो उपयोग संगठन के उद्देश्यों को प्रभावशाली ढंग से पूर्ण करने के लिए किया जाता है, जो कि कार्य को कार्य को हमें मानवीय और भौतिक जो संगठन होते हैं उसको किस प्रकार कार्य किया जाता है उसके बारे में पूर्ण होते हैं। इसमें जो बताया गया है जो मानव के अंतर जो क्या आता है मानवीय संसाधन है ना, मैंने आपको पहले बताया था कि शैक्षिक प्रबंधन के दो संसाधन होते हैं, इसके अंदर मानवीय और भौतिक, जो मानवीय होते हैं इसके अंदर जो इसमें जो प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक शिक्षक शारीरिक शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष प्रयोगशाला लिपिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी विद्यार्थी अभिभावक और समुदाय इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। फिर अपना जो भौतिक साधनों के अंतर्गत जो आता है धन विद्यालय पवन शिक्षण सहायक सामग्री है ना, खेल का मैदान पुस्तकालय प्रयोगशाला छात्रावास फर्नीचर बोर्ड पुस्तक के पत्र पत्रिकाएं आदि इसके अंतर्गत आती है। तो अपन ने ना इसके अंतर्गत जो शैक्षिक प्रशासन की आधुनिक अवधारणा के बारे में अपन अध्ययन किया है ना, इसके अंतर्गत आप अच्छे से देख लेना अच्छे से रीड कर लेना और अच्छे से नोटबुक में उतार लेना। आपने जो इसके लिए आज की रचना काफ़ी है ना, नेक्स्ट वीडियो में इसका महत्व के बारे में अपन अध्ययन करेंगे है ना, ये विशेष तौर से आप इसके अंतर्गत देख लेना और ध्यान रखना ठीक है। ठीक है ये आज जो शैक्षिक प्रशासन की आधुनिक अवधारणा के बारे में अपने अध्ययन किया है ना, तो आपको कक्षा को व्यवस्थित बनाने के लिए अच्छे से सुना अच्छे से ध्यान रखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।